जोगी जनता कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके समर्थक भी मौजूद हैं जहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया है, यहां पे मतदान हो रहा है। मजहर 27 साल का युवक है, इन्होंने 28 नंबर वार्ड से पर्चा भरा था, सबसे चर्चित वार्ड 28 नंबर यहां से पर्चा भरा था। और इसके साथ ही मजहर आप भी काफी चर्चाओं में है, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा कद्दावर लोग हैं वो लोग आपका नाम अपने बाइटों में ले रहे हैं, आपके नाम बिना अनायास बिना चर्चा के ही सब लोग जो प्रत्याशी पिछले कई सालों से पार्षद हैं या बड़े नेता हैं वो ले रहे हैं, क्या क्या कारण है? कारण यही है कि 15 साल से कुछ राज कर रहे हैं, कुछ किए नहीं है, इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कारण यही है। तो आपके नाम लेने का क्या क्या डर है? इनके व्यक्तिगत जो अपना इतना अच्छा बना हुआ है, इतना अच्छा बना हुआ है कि समाज से दुआ आशीर्वाद सब मिल रहे हैं अपने को, तो इसलिए उनको थोड़ा डर लगा हुआ। अच्छा, जैसे कहना ये हो रहा है कि भाई जो टक्कर है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं आ रहा, ऐसा बोला जा रहा है कि जोगी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में टक्कर चल रही है। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, आपकी उम्र भी इतनी नहीं है कि आप लोगों के से अभी इसके पहले जनसंपर्क में रहे होंगे, पहली बार जा रहे हैं शायद, लेकिन फिर भी ऐसा क्या जादू कर दिया आपने कि मतलब जो पिछले कई सालों से पार्षद हैं सत्ता में हैं उनको आपका नाम लेना पड़ रहा है, आपके नाम पर बात चर्चा करनी पड़ रही है? इसमें बोला गया है कि कांग्रेस से टक्कर नहीं है, बीजेपी से और जनता जोगी से टक्कर है बोला गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अजित नड्डा जी बोले थे कांग्रेस और जनता जोगी से टक्कर है बोला, बीजेपी और जनता जोगी से टक्कर है बोला गया, नहीं तो उनका ऐसा रुझान लगा कि अपना टक्कर जो है ना जनता जोगी से, कांग्रेस से नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए जो इकराम जी बोल रहे थे, तो इकराम जी बोल रहे थे दूसरे तीसरे नंबर के लिए दोनों लोग लड़ रहे हैं, जोगी और भाजपा, हम तो पहले नंबर पर जीत रहे हैं, उनका ऐसा कहना है? वही मतदान के समय पता चलेगा, रिजल्ट के समय रुझान पता चलेगा कि कौन पहले नंबर में है, कौन लास्ट नंबर में। आप हरा रहे हैं इकराम जी को? अब है तो अपना आशीर्वाद और दुआ सबका मिला हुआ है पब्लिक का, देखते हैं 23 तारीख को रिजल्ट में क्या मिलता है, हम तो लग रहा है कि हम निकाल रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो पहले नंबर पे और भाजपा और जोगी कांग्रेस जो है वो दूसरे नंबर पे। मेन चीज क्या है कि ये बेटा है लेकिन बाप का श्रेय बेटे को मिलता है, इनका बाप 30 नंबर वार्ड से पहले पासद था, आज समाज सेवक मुतवल्ली, आज मुस्लिम जमात का 10 साल से है, और समाज पूरी यहाँ की जनता जानती है, मुसलमान जानता है कि एक मुतवल्ली का बेटा है, और जब मुतवल्ली का बेटा रहेगा तो और कार्य उन्होंने अच्छा किया है, दीन का काम भी किया है, दुनिया भी काम किया है, किसी गरीब की मदद करना हो तो आज दाऊ जी का नाम सुनिए तो पूरे छत्तीसगढ़ का पूरा बिरगांव जानता है, और उसका श्रेय बेटे को मिल रहा है। नहीं तो इस पे इकराम जी का आरोप ये है कि जब पिछली बार उनको हराया था इनके पिताजी ने, तो जनता के बीच जाके इकराम जी ने पूछा था कि भैया आप जानते हैं उनको, तो उन्होंने कहा कि रंग गुलाल लगा के एक ही बार आए थे, उसके बाद कभी दिखे ही नहीं दाऊ जी। ये तो ऐसे में ऐसी वाली बात थी तो ये टिकट क्यों काट दिया गया, क्यों खड़े हो गए विपक्ष में जाकर के इनका प्रमाण पत्र जो है तो सही नहीं है, जबकि जाति प्रमाण पत्र उनका था वो अंसारी वैसे ही थे, आज भी अंसारी हैं, ऐसा तो नहीं था कि शेख थे अंसारी बन गए थे, ये सही था अंसारी थे आज भी अंसारी हैं। वो चुनाव में मेन चीज़ क्या है कि हार को देखते हुए पहली बार तो था कि हम जीत जाएंगे, उस टाइम भी हार गए, इस बार फिर देखा माहौल है कि कटवा दिया, लेकिन आज बेटा खड़ा हुआ है, इंशाल्लाह बेटा जीत दिखाएगा। अच्छा, ये फिर सिर्फ बेटे को मिलेगा। एक बात बताइए कि जोगी कांग्रेस पार्टी जो है इसमें जाति को लेकर के इतना ज्यादा हमलावर क्यों रहती है कांग्रेस हमेशा से, पहले अजीत जोगी की जाति, फिर अमित जोगी की जाति, उनकी पत्नी की जाति, अब आपके वार्ड चुनाव में जो है इनके पिताजी की जाति वाला मुद्दा उठा के क्या है, जब कोई घबराता किसी चीज से तो वो तो जाति दुनिया निकालता बात की जाति नहीं है, जोगी जी जब जोगी जाति थी आदिवासी थे और आज हम सैयद हैं रहेंगे, अब कोई कह दे कि नहीं शेख जी हैं तो आज सथरा बन जाएंगे शेख जी, और अंसारी रहेंगे, जो जिसकी जाति रहेगी, विरोधी तो बोलता रहता है, आज जी जोगी बोलते चले गए कि वो जाति का आदिवासी है, 28 नंबर जीत बिल्कुल 100% जीत रहे हैं, और बिरगांव में पार्षद पूरे महापौर किसका बनेगा, महापौर का हमारा एवेदवागन बनेंगे महापौर जनता जोगी का, पंकज जी अभी बैठे हैं वहां पर और गणना कर रहे हैं, गणना तो 23 को चलेगा, 23 को सामने आएगी, हर एक बोलता है 23 को चलेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, अगर हमारी जीत न होती तो इतनी आपस में भूचाल न होती, हम शांत बैठे हैं कुर्सी में, कोई कुर्सी खड़ा हम कुर्सी लेके बैठे हैं, पहले कुर्सी बैठ गए हैं कुर्सी में, लेकिन हमारी कुर्सी हमारे हाथ में, लेकिन उनका कहना है कि आप मायूस होकर के बैठे हैं, मायूस नहीं बैठे हैं, कुर्सी जो है हम कुर्सी में बैठे हैं कि हम शांत हैं, मुतमइन है कि हम जीत हमारी पक्की है। चलिए ठीक है, तो सभी के सभी प्रत्याशी जितने भी वार्डों के प्रत्याशी सारे के लोग आश्वस्त हैं अपने आप को लेकर के उनकी जीत हो रही है, उनका मतदान से पहले प्रचार प्रसार लोगों के साथ जनसंपर्क और सारी चीज़ जो भी रहे हैं उन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं, जोगी जनता कांग्रेस के लोग भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं।